25 दिसंबर 2022 प्रात मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन मीठे बच्चे याद में बैठते समय आंखें खोलकर बैठो क्योंकि तुम्हें खाते पीते चलते फिरते बाप की याद में रहना है। प्रश्न, भगवान को ढूंढने के लिए मनुष्य दर दर धक्के क्यों खाते हैं? कारण, उत्तर, क्योंकि मनुष्यों ने भगवान को सर्वव्यापी कह बहुत धक्के खाए हैं। सर्वव्यापी है तो कहाँ से मिलेगा? फिर कह देते हैं परमात्मा तो नाम रूप से न्यारा है। जब नाम रूप से ही न्यारा है तो मिलेगा फिर कैसे और ढूंढेंगे किसको? इसलिए दर दर धक्के खाते रहते हैं। तुम बच्चों का भटकना अब छूट गया। तुम निश्चय से कहते हो बाबा परमधाम से आए हैं। हम बच्चों से इन आर्गन्स द्वारा बात कर रहे हैं। बाकी नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे बाप की याद में बैठे हैं। यह किसने कहा और किसको? सभी आत्माओं के बाप ने अपने बच्चों आत्माओं से बोला। आत्माओं ने आर्गन से सुना कि बाबा ने क्या कहा। बाप ने कहा अपने बाप को याद करते हो? बाप को याद करने के लिए क्या आंखें बंद करनी होती है? बच्चे जब बाप को याद करते हैं तो आंखें तो खुली हुई होती है। उठते बैठते चलते फिरते बच्चों को बाप की याद रहती है। आंखें बंद करने की दरकार नहीं। आत्मा जानती है कि मेरा बाप इन आर्गन से मेरे से बात करते हैं। परमधाम से आए हैं इस पतित पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाने। यह बुद्धि में है, आंखें तो खुली हुई है। बाबा बात करते हैं, तुम सुनते भी हो और याद में भी हो। कौन सुनाते हैं? परमपिता परमात्मा। उनका नाम क्या है? जैसे तुम्हारे शरीर का नाम है, वह बदलता रहता है। एक शरीर लिया छोड़ा फिर दूसरा लिया तो नाम भी दूसरा पड़ेगा। आत्मा का नाम बदलता नहीं है। बाप कहते हैं मैं भी आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा हो। मैं परमधाम में रहने वाला परम आत्मा हूँ, इसलिए सुप्रीम आत्मा कहते हैं। सुप्रीम ऊंचे ते ऊंच को कहा जाता है। ऊंच आत्माएं भी है तो नीच आत्माएं भी है। कोई पुण्य आत्मा कोई पाप आत्मा। बाप कहते हैं मुझ आत्मा का नाम सदैव एक ही शिव है। नाम तो जरूर चाहिए ना। न जानने के कारण कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है। परंतु नाम रूप से न्यारी कोई चीज हो ना सके। जैसे आकाश है कोई चीज तो नहीं है ना। पोलार ही पोलार है। उनका भी नाम तो है ना आकाश। बहुत सूक्ष्म तत्व है। अच्छा, उनसे भी ऊपर देवता रहते हैं, वह भी पोलार है, आकाश में बैठे हैं। फिर उनसे भी ऊपर और आकाश, उसमें भी आत्माओं के बैठने की जगह है, वह भी आकाश है, जिसको ब्रह्मा तत्व कहते हैं। यह तीन तत्व है, स्थूल सूक्ष्म मूल। आत्माएं तो जरूर पोलार में रहेंगी ना, तो तीन आकाश हो गए। इस आकाश में खेल होता है तो जरूर रोशनी चाहिए। मूलवतन में खेल नहीं होता, उसको ब्रह्मा तत्व कहते हैं। वहां आत्माएं निवास करती है। वह है ऊंचते ऊंच तीन लोक अर्थात तीन मंजिल है दुनिया की। ऐसे नहीं सागर के नीचे कोई लोक है। पानी के नीचे फिर भी धरती है जिस पर पानी ठहरता है। तो यह है तीन लोक। साइलेंस मूवी और टॉकी। यह शिव बाबा बैठ समझाते हैं। क्या शिव बाबा को आंखें बंद कर याद करना है? नहीं। दूसरे लोग आंखें क्यों बंद करते हैं? क्योंकि आंखें धोखा देती हैं। मनुष्य खुद कह देते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। फिर कहते हैं पत्थर भीतर सब में है। 24 अवतार है, कच्छ मच्छ अवतार है, वास्तव में है सब झूठ ही झूठ। ईश्वर को सर्वव्यापी कह कितना रोला कर दिया है। भक्ति मार्ग है ही धक्का खाने का मार्ग। मुझे भी पूरे धक्के खिलाते हैं। अब भक्त भगवान को याद करते हैं कि हमको भक्ति से धक्कों से बचाओ। जब यहाँ आकर मिलते हैं तो कहते हैं बाबा हमने आपको बहुत ढूंढा, बहुत धक्के खाए परंतु आप मिले नहीं।
अरे कब से धक्के खाए बाबा यह पता नहीं। अब बाप समझाते हैं ज्ञान से ही सदगति होती है। मनुष्य कुंभ के मेले पर धक्के खाने जाते हैं, जहां भी पानी होगा वहां जाकर स्नान करेंगे। कुंभ अर्थात संगम असल है आत्मा और परमात्मा का मेला, परंतु भक्ति में फिर वह सागर और पानी का मेला बना दिया है। देश देशांतर मेला लगता है, वह है पानी में स्नान करने का मेला। कई इन बातों को मानते हैं, कई नहीं भी मानते हैं। कई तो न भक्ति को न ज्ञान को मानते हैं, बस मनुष्य पैदा होता है फिर मरता है, नेचर ही है। अनेक मते हैं, एक ही घर में स्त्री की मत और पुरुष की मत और हो जाती है। एक पवित्रता को मानेंगे दूसरा नहीं मानेंगे। अभी तुमको श्रीमत मिल रही है, गाया भी हुआ है श्रीमत भगवान वाच। उनकी मत से ही मनुष्य से देवता बन जाते हैं। देवता धर्म अभी है नहीं, निशानियां चित्र है जिससे सिद्ध है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वह राज्य करके गए हैं। पुराने से पुरानी चीज है देवी देवताओं की। लॉर्ड कृष्णा कहते हैं, वह तो कहेंगे गॉड श्री नारायण। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण का राज्य था जिसको वैकुंठ कहा जाता है। श्री कृष्ण वैकुंठ का मालिक था, सतयुग का प्रिंस था, फिर वही कृष्ण वापर में कैसे गया? उसी नामरूप से तो आ न सके। वो जो चैतन्य था उनके जड़ चित्र यहाँ है, परंतु वह आत्मा कहा गई यह कोई नहीं जानते। बाप बतलाते हैं आत्मा 84 जन्म लेते अभी यहाँ पाठ बजा रही है, भिन्न नामरूप देश काल का पाठ बजाती आई है। आत्मा ही कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, नामरूप देश काल। मित्र संबंधी सब अलग अलग हैं, दूसरे जन्म में बदल जाएंगे। तुम जानते हो अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर हम सो देवी देवता बनेंगे, सूर्यवंशी में 8 जन्म लेंगे, एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। वह गर्भ जेल नहीं, गर्भ महल होगा। यहाँ गर्भ जेल में बहुत सजा भोगते हैं, दुख होता है तब कहते बस अभी बाहर निकालो, हम फिर पाप नहीं करेंगे। परंतु बाहर माया का राज्य होने कारण फिर से पाप करने लग पड़ते हैं, वहां गर्भ महल में आराम से रहते हैं। तो बाप कहते हैं सब वेद शास्त्र आदि का सार मैं तुमको ही समझाता हूँ। अच्छा बाबा कुंभ के मेले पर समझाते हैं, बहुत स्नान करने जाएंगे, बहुत भीड़ होगी। इलाहाबाद में त्रिवेणी पर मेला लगता है, अभी वह कोई संगम तो है नहीं। संगम होना चाहिए सागर और नदियों का, यह तो नदियों का संगम है। दो नदियां मिलती हैं, वह फिर कह देते तीसरी नदी गुप्त है। अब गुप्त नदी कोई होती नहीं, है ही दो नदियां, देखने में भी दो आती है। एक का पानी सफेद, एक का मैला दिखाई देता है, और तो कोई है नहीं। गंगा जमुना है, तीन नहीं है, यह भी झूठ हुआ ना। संगम भी नहीं है। कलकत्ते में सागर और ब्रह्मपुत्र मिलती है, नाव में बैठकर उस पार जाते हैं, वहां मेला लगता है। कितनी मेहनत करते हैं, अमरनाथ पर तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, वहां भी शिवलिंग की मूर्ति है, वह घर में भी रख सकते हैं, फिर वहां जाने की दरकार नहीं। यह भी धक्का खाना ड्रामा में नूंद है। त्रिवेणी में जाते हैं, समझते हैं वह पतित पावनी है। कोई कोई को यह भी मालूम नहीं नदियां कहां से आती है, पहाड़ से आती है, परंतु पानी तो सागर से आता है। बादल बरसते हैं तो ऊंचे पहाड़ होने कारण बर्फ जम जाती है, फिर धूप लगने के कारण जब बर्फ गलती है तो पानी इकट्ठा होकर नदियों में आता है। अब विचार करो कि पतितपावन परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर वा ज्ञान नदिया वा पानी का सागर और नदिया बहुत अंधकार में धक्का खाते रहते हैं। अब उनको कैसे बताएं कि यह पतितपावनी नहीं है, यह तो बरसात का पानी है।
बादलों से पानी आता है, बादल फिर सागर से पानी खींचते हैं। पानी तो पतित पावन हो नहीं सकता। गाते भी हैं पतित पावन सीताराम, हे पतित पावन आओ। आत्माएं कहती हैं, हे पतितों को पावन बनाने वाले बाबा रहम करो। बाप समझाते हैं, यह भक्ति के धक्के खाने से कोई पावन बनते नहीं है। यह नदियां तो अनादि है ही, पानी है पीने और खेती करने के लिए, वह कैसे पावन करेगा। अभी यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, मैं आता हूँ तुमको पावन बनाने। सत्युग पावन दुनिया थी, यह है पतित दुनिया। जो पावन थे वही 84 जन्म ले पतित बने हैं, इसलिए फिर पावन बनने के लिए बाप को बुलाते हैं। आधा कल्प से उतरती कला होती आई है। भारत सत्युग में बहुत सुखी था, पावन था। अब दुखी है क्योंकि पतित है, इसलिए पुकारते हैं ओ गॉड फादर, और फिर कह देते उनका नाम रूप है नहीं, तब पुकारते किसको है। यह भी समझते नहीं, जैसे कहते हैं आत्मा स्टोर मिसल है, चमकता है अजब सितारा। आत्मा बिल्कुल छोटी बिंदी मिसल है। टीका भी यहाँ लगाते हैं और कहते हैं भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। तो इतनी छोटी सी बिंदी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नूधा हुआ है, वह कभी मिट नहीं सकता। यह सारा नाटक इमार्टल है, चक्र फिरता रहता है। ऐसे नहीं सृष्टि एक जगह खड़ी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो पहले था, वह अब नहीं है। जरूर जब ना हो तब तो मैं आऊं। मैं आकर फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूं, तो चक्र फिरता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होती है। सत्युग में सूर्यवंशी राज्य था, त्रेता में चंद्रवंशी। अब फिर तुमको 84 जन्मों का पता पड़ा है ना, कैसे हम चढ़ती कला में आते हैं। बाप सभी बच्चों को पतित से पावन बनाने का रास्ता बताते हैं। ऐसे नहीं कहते कि आंखें बंद कर मुझे याद करो, खाते पीते चलते मुझे याद करना है। आंखें बंद कर खाना खाएंगे क्या, मक्खी अंदर चली जाए। तुम बच्चों की आत्मा जानती है कि बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। वह कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। जितना समय यात्रा में रहते हैं तो मनुष्य पवित्र रहते हैं, लौट कर आते हैं तो घर में फिर पतित बन जाते हैं। तुम्हारी है रूहानी यात्रा जो बाप कराते हैं। बाप कहते हैं तुमको अमरलोक में चलना है तो मुझे याद करो, आत्मा पवित्र होने से ही तुम उड़ सकेंगे, अंत मति से गति होगी। बाप की श्रीमत से ही सदगति मिलती है। श्रीमत कहती है हे आत्माएं मामेकम, याद करो तो खाद निकल जाए और तुम मुक्तिधाम में चले जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। इस चक्र को समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। सत्युग त्रेता में तुम पावन थे, फिर बाप तो पूछेंगे ना कि तुमको पतित किसने बनाया। यह भी अभी तुम बच्चे समझते हो कि जब से रावण राज्य शुरू होता है तो पतित बन पड़ते हैं। आधा कल्प के बाद पुरानी दुनिया हो जाती है, फिर तुमको सुख तो नई दुनिया में मिलना चाहिए, वह मैं ही आकर देता हूँ। हम तुमको पावन बनाते हैं, वह तुमको पतित बनाते हैं। मैं वर्षा देता हूँ, रावण श्राप देते हैं। यह है खेल। रावण तुम्हारा बड़ा दुश्मन है, उनका बुध बनाकर जलाते हैं। कभी देखा शिव का चित्र उठाकर जलाएं? नहीं, शिव तो है निराकार, राम सुख देने वाला, उनको कैसे जलाएंगे। दुख देने वाला है रावण, कहते हैं या अनादि जाते आते हैं। तो क्या शुरू से ही रावण राज्य था, राम राज्य हुआ ही नहीं। यह सब समझाना पड़े। रावण राज्य कब से शुरू हुआ यह किसको पता नहीं। आधा कल्प से शुरू होता है। तुम सब द्रौपदियां पुकारती हो बाबा हमारी रक्षा करो, अरे तुम बोलो हमको पतित बनना ही नहीं है, हिम्मत चाहिए, नष्टोमोहा बनना है। मैं शरण तब दूंगा जब तुम नष्टोमोहा बनेंगी। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई।
पति बाल बच्चे याद पढ़ते रहेंगे तो वर्षा पा नहीं सकेंगी। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकील्धे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, एक, श्रीमत पर सबको पावन बनाने का रास्ता बताना है। पतित पावन बाप का परिचय देने की युक्ति रचनी है। दो, बाप से वर्षा लेने के लिए व बाप की शरण में आने के लिए पूरा पूरा नष्टोमोहा बनना है। आंख खोलकर बाप को याद करने का अभ्यास करना है। वरदान, सर्व शक्तियों को समय पर आर्डर प्रमाण कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव मास्टर का अर्थ है कि हर शक्ति जिस समय आवन करो वो शक्ति प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव हो। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस समय वो शक्ति सहयोगी बने। शक्ति को ऑर्डर किया और हाजिर। ऐसे भी नहीं ऑर्डर करो सहन शक्ति को और आए सामना करने की शक्ति तो उसे मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। जैसे शरीर की शक्तियां ऑर्डर में है ऐसे सूक्ष्म शक्तियां भी ऑर्डर प्रमाण कार्य करें, एक सेकंड का भी फर्क न पड़े। स्लोगन, प्रसन्नता का आधार संतुष्टता की शक्ति है। कृपया आज की मुरली पर लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।